की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस के द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाया गया है। पहला मामला आप लोगों को ज्ञात होगा कि 6 दिसंबर 2023 को एक घटना घटी थी, जो एक्सिस बैंक में 4-5 जो है लुटेरे घुसे थे और 10:17 पे और 5 मिनट के अंदर जो है लगभग 16,96,000 रुपये यानी लगभग 17 लाख के आसपास उनसे लूट के और बाहर से उनको बंद करके और वहाँ से भाग गए थे। और उसके बाद जो हम लोगों को बाद में सूचना मिली थी कि अपराधी अंदर ही हैं और उसकी वजह से पुलिस काफ़ी देर तक वहाँ गुमराह भी हुई। और उसके बाद जो उसमें टीम गठित हुआ, लगातार हम लोगों ने काम किया, यहाँ से पटना, छपरा और इवन वैशाली तक हम लोग बहुत सारे CCTV कैमरे और सूचना संकलन किए। तो हम लोगों को बीच में ही लगभग अभियुक्तों का पता चल गया था कि अभियुक्त पटना से निकले थे, एक किराए के रूम पे रहते थे और उसी कड़ी में हमारी टीम जो काम कर रही थी। तो परसों एक घटना गोपालगंज में घटी थी, उसके बाद से वहाँ के अपराधी जो लूटपाट करके भाग रहे थे और उसी कड़ी में जो है छपरा में गिरफ्तार हुए थे। और छपरा में जो गिरफ्तार हुए तो छपरा में उनके जो हम लोगों को सूचना मिली कि लगभग वही टीम है, तो वहाँ से जब पूछताछ हुआ तो उस पूछताछ में एक अभियुक्त जो उसमें का था, जिसका नाम वहाँ दो अभियुक्त पकड़े गए, शिवम कुमार और सन्नी कुमार। तो जो एक अभियुक्त सन्नी कुमार है वो पिता बबलू कुमार सिंह इमादपुर, ये भगवानपुर वैशाली का रहने वाला है। तो हम लोग पहले भी इनके घर पे छापामारी किए थे, तो ये अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वो और उसके बाद 5 और अभियुक्त, यहाँ कुल लगभग 6 अभियुक्त आए थे और लाइनिंग में 1-2 और अभियुक्त थे, तो उसमें कुल 6 से 7 अभियुक्त थे। और 29 तारीख को उसके पहले भी जो है घटना से 1 हफ्ता पहले भी ये लोग आके दूसरे लोग इनके टीम का एक लोग आया था, आके यहाँ पर रेकी किया था और रेकी करने के उपरांत फिर इन्होंने गाड़ी का अपना कलर चेंज करवाया था, दूसरे रंग की गाड़ी थी उसको चेंज किया था। और इस तरीके से ये पूरी साजिश और बढ़िया प्लानिंग करते हुए इन्होंने जो है सातरियाना ढंग से इस घटना को अंजाम दिया था। और इसने सभी अभियुक्तों का नाम बता दिया है और पहले से भी हम लोगों को 3 अभियुक्तों का लगभग पता चल गया था और अब सभी 6 अभियुक्तों के नाम बताए, ये वैशाली, समस्तीपुर और सारण के रहने वाले हैं। और ये एक ग्रुप होगा जो अब जो अंतर्राज्यीय ग्रुप है, जिसको प्राथमिक जाँच से पता चला जो निरंतर ग्रुप था, और उसी ग्रुप के ये सभी सदस्य हैं जो अंतर्राज्यीय स्तर पर जो है बैंकों में घटनाओं का अंजाम देते रहते हैं। और वही इस ग्रुप का जो मास्टरमाइंड है, एक दो लड़के हैं, वही इसको अंजाम दिलवाए थे। तो उन सभी का हमें नाम पता सत्यापन हो गया, उनके घरों में भी कल परसों भी छापामारी की गई है, लेकिन वो घर पे रहते नहीं है, घर से फरार हैं। और ये लोग पटना में किराए का रूम लेते हैं, इनके जो मोडस ऑपरेंडी है, पटना में अलग अलग जगह किराए का रूम लेंगे और अपना सत्यापन नहीं कराते हैं, कोई अपनी आईडी वगैरह नहीं देते हैं और घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर उस रूम को छोड़ के गुप्त रूप से दूसरी जगह ये फरार हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस घटना का उद्भेदन हुआ, जो एक्सिस बैंक की घटना थी, और इसमें एक अभियुक्त तो गिरफ्तार हो गया शामिल और बाकी 5 अन्य अभियुक्त हैं और 1-2 अज्ञात अभियुक्त हैं, उनकी तलाशी के लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है। और बहुत जल्द हम लोग उनकी छापामारी के साथ साथ अब नाम पता सब कुछ सत्यापित हो गया है तो वारंट और कुर्की की भी प्रक्रिया आरम्भ कर देंगे। और इसमें जो भी पैसे गए हैं उनकी रिकवरी के लिए भी हमारी टीम लगातार प्रयासरत है, एक टीम अभी भी हमारी इस पर काम कर रही है बाहर। और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द ही जो है शेष बचे हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे और इसमें जो भी कड़ी होगी उसको पूरी तरीके से जो है खोलेंगे। सर, इसमें कुछ लोकल लाइनर भी थे या सब बाहर गए? उसमें जैसे उसका जो कहना था कि इसका जो मेन जो कंस्पिरेटर है, जो जैसे निरंतर ग्रुप का जो है कई बार लोग जेल से अन्य जगह से जो दूसरे राज्यों में बंद है वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं, तो इसका एक मुख्य अभियुक्त है जिसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग भी वाकिफ होंगे, वो बहुत फेमस ही है जो बैंकों की घटनाएं करवाता है। वह जो है कि अन्य लोगों सभी लोगों को जो है कोऑर्डिनेट करता है, तो कई बार जो उसमें अभियुक्त शामिल रहते हैं या अपराधी रहते हैं वो नए भी रहते हैं, उनको दूसरे अपराधियों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती है, बस ऐसे नाम से कि सनी भैया, छोटू भैया, ऐसे प्रकार से उनको बुला के जो है वो बताया जाता है, तो इनको कई बार जो है संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो हम लोग जो है जो मुख्य अभियुक्त है उसके घर जल्द से जल्द छापामारी भी कर रहे हैं, कुर्की वगैरह करके जैसी गिरफ्तारी की जाती है, तो इसमें कुछ जो अगर लोकल लाइनर भी हैं तो उसकी भी जो है हम लोग पहचान करेंगे, कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएँ बिना लोकल लाइनर के होना कई बार असंभव रहती हैं, लेकिन ये एक अंतर्राज्यीय सातिर गिरोह है तो ये कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग जो बचे हुए लोग हैं इनकी गिरफ्तारी के साथ इस घटना की जो अन्य परतें हैं उसको जल्दी खोलेंगे।